हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने मोशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था। अब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले मोशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इनर्शिया, इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? द सब्सटेंस विच हैव मोर मास हैज मोर इनर्शिया। तो अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, तो डेफिनेटली स्टोन जो होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो स्टोन ऑफ सेम साइज हैज़ मोर इनर्शिया। नेक्स्ट इज अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन, अब ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा या साइकिल का? तो अब किसका मास ज़्यादा होता है? ट्रेन का। तो ट्रेन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अ 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, 5 रुपये का एक सिक्का है और 1 रुपी का, तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स अ फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स अ फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर टू हिज ऑफ हिज ओन टीम। ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाई द फोर्स इन ईच केस। तो सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर ने किक फुटबॉल को दूसरे प्लेयर को किक करा, तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पर जो बॉल का चेंज हुआ ये। अब अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु, अब उसने क्या करा, किक्स अ फुटबॉल टूवर्ड्स अ गोल। सेकेंड टाइम हो गया, ये फर्स्ट था ये सेकेंड था। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स अ फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स अ प्लेयर। अब गोल कीपर ने थर्ड टाइम इसको फेंका। ऑल्सो अतु, यहाँ पर बॉल का तीन बार चेंज हुई है। सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर ने दूसरे फुटबॉल प्लेयर को भेजा, दूसरे फुटबॉल प्लेयर ने गोल की तरफ भेजा, फिर गोल कीपर ने वो बॉल को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसने अपनी टीम के दूसरे को भेजा है। तो तीन बार हो गया। अब क्या है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो ये तो डिस्कस हो गया। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांच। जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को खूब तेज से शेक करते हैं तो उसके लीव्स नीचे गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि पेड़ की लीव्स जो हैं अभी रेस्ट पर हैं और जब हम पेड़ को तेज तेज हिलाते हैं तो पेड़ मोशन में आ जाता है, लेकिन वो लीव्स उस मोशन का अपोज करती हैं, मतलब इनर्शिया है उनमें और इसी वजह से वो अपोज करने की वजह से वो मूव नहीं होना चाहती हैं, वो नीचे ड्रॉप हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या होता है जब हम आगे की, जब कोई बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं और जब कोई रुकी हुई बस चलती है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस चल रही है तो हम भी इनर्शिया, और हमारी बॉडी में भी इनर्शिया ऑफ मोशन है, बट सडनली बस ने ब्रेक लगा दी है लेकिन हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहती है और इसीलिए वो थोड़ा सा आगे की तरफ हमें धक्का लगता है। उसके बाद जब कोई भी बस रुकी हुई है और वो सडनली स्टार्ट होती है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है हमारी बॉडी में भी, और जैसे बस ने आगे चलना शुरू करा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारी बॉडी पीछे की तरफ गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। देखो, जब भी एक हॉर्स आगे चलता है तो वो ज़मीन पर अपने पैरों से फोर्स लगाता है, उतनी ही फोर्स ज़मीन भी उसकी तरफ लगाती है। तो ये होता है एक्शन और रिएक्शन। देखो, व्हेन अ हॉर्स पुल अ कार्ट विद अ सर्टेन फोर्स द कार्ट पुल्स द हॉर्स एंड द सेम फोर्स एंड द सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट शुड नॉट मूव। जब हॉर्स कार को किसी कार्ट को, मतलब गाड़ी को खींच रहा है तो गाड़ी भी हॉर्स को खींच रही है, लेकिन और इसी वजह से किसी को भी मूव नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हॉर्स जो है वो कार्ट पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है वो, जब जैसे हम चलते हैं, ये वाला एक एग्जांपल, आपके और भी एक और क्वेश्चन भी है इसी तरह का कि हम चलते हैं तो हमारे पैर
जो फ्लोर है उसको पीछे की तरफ पुश करते हैं और वो फ्लोर अपोजिट एक्शन की वजह से हमारे पैरों को आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो यही यहाँ पर होता है। द हॉर्स नॉट ओनली अप्लाइज फोर्स ऑन द कार्ट बट ऑल्सो पुशेज द अर्थ बैकवर्ड विद हिज फीट। और इससे क्या होता है, अर्थ भी उसको आगे की तरफ पुश करती है, पुशेज इट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस फोर्स की वजह से द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द अर्थ इज इनसफिशियंट, मतलब हॉर्स पे जो फोर्स लग रही है वो इतनी सफिशियंट नहीं होती कि जिससे कि अर्थ पीछे की तरफ मूव हो पाए। इसीलिए हमें क्या लगता है कि घोड़ा ही सिर्फ आगे चलता जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज विद विच एजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो होज का क्या काम, होज होता है जब कहीं पर आग लगती है और फायर ब्रिगेड आती है तो वो उसमें एक टैंकर होता है जिससे पानी भरा हुआ होता है, वो उस पानी को खूब तेज़ी से चलाते हैं। अब उस पानी, वो पानी इतनी तेज़ी से आता है, उस होज कहते हैं उस पाइप को, वो पाइप इतनी तेज़ी से पानी को फेंकता है। अब जब पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, सपोज ये होज है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये पानी जितना आगे की तरफ जा रहा है उतनी फोर्स वो पीछे की तरफ लगा रहा है और इसी वजह से वो पीछे की तरफ उसे कस के पकड़ना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, अ बुलेट ऑफ मास 50 g इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 35 m/s। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो देखो, राइफल का मास कितना है 4 kg, बुलेट का मास कितना है 50 kg, तो 50 g तो हम इसको कर लेंगे किलोग्राम में चेंज, 0.050 kg। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी है, 35 m/s। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट u1 जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल भी ज़ीरो है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 और m2 u2 तो ज़ीरो हो जाएंगे, सॉरी m1 u1 और m2 u2 तो ज़ीरो हो जाएंगे। क्यों, m1 u1 प्लस m2 u2 क्यों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि u ज़ीरो है तो m भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ u2 ज़ीरो है तो ये भी। इज इक्वल्स टू क्या था, m1 v1 प्लस m2 v2, तो इससे हमें ये आ जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2। अब हमें m1 की वैल्यू पता है, m2 की पता है, v1 की पता है, लेकिन v2 की निकालनी है, तो उससे हमें निकल के आ जाएगी 0.4375 m/s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 g and 200 g आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज ऑफ 2 m/s एंड 1 m/s रेस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलाइजन, दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास एक का 100 है और एक का 200 है, तो पहले हम इनको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। उसके बाद एक की वेलोसिटी 2 m/s और दूसरी 1 m/s, वो अब आपस में टकराते हैं। अब यहाँ पर वो टकराए, टकराने के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ दिस डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो उसकी सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। देखते हैं, तो हमें m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है, m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, लेकिन v2 नहीं पता, और यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, तो m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीज़ें यहाँ चली जाएंगी, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 v1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.165 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। क्या होता है जब हम कारपेट को, सपोज कारपेट इज़ लाइक दिस, कारपेट को हमने हाथ से मारा तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में थे, वो रेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन जैसे हमने स्टिक से कारपेट पर फोर्स अप्लाई करी तो कारपेट पीछे की तरफ चला गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होने की वजह से उनमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, और इसकी वजह से कारपेट पीछे हो जाता है, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे गिर जाते हैं, और इस तरह से हमारे कारपेट में जो भी डस्ट होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट है, व्हाई इज़ इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज
kept on the roof of a bus with a rope. जब हम किसी लगेज को छत पर क्यों टांगते हैं किसी भी व्हीकल में, देखो जब अगर बस रुक, सपोज एक बस है और उसमें हमने लगेज रख दिया ऊपर, अब जैसे बस चलेगी, लगेज रेस्ट पर था और बस भी रेस्ट पर थी, बस ने जैसे चलना शुरू करा बस मोशन में आ गई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये लगेज पीछे की तरफ गिर सकता है, इसीलिए हम इस लगेज को छत पर रोप से टाई कर देते हैं। इन द सेम वे जब हम बस को रोकते हैं, अभी ये मोशन में है और ये लगेज भी मोशन में ही रहता है, जैसे ही बस ने ब्रेक लगाए बस तो रेस्ट पर आ गए, लेकिन ये जो लगेज है वो मोशन में ही, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की तरफ गिरने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हमें लगेज को टाई करके ही रखना चाहिए। अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विद विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल शोज अ स्टॉप बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग टू द मोशन। इसका यही आंसर है, एक फोर्स होती है जो मोशन का अपोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। एक ट्रक है जो रेस से स्टार्ट हुआ तो इसका यू जो हो जाएगा वो है जीरो, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट ट्रेवल्स 400 मीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस लिख लेते हैं हम, 400 मीटर हो गई, 20 सेकेंड्स टाइम हो गए 20 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन ऑन इट इफ इट्स फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन मतलब 1000 किलोग्राम। तो हमें यू दिया है, एस दिया है, टी दिया है, ए नहीं दिया, एफ निकालना है, एम निकालना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू ज़ीरो है तो टी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, हाफ ए की निकालनी है तो ए की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें मास दिया है, ए भी पता चल गया यहाँ से, अब एफ निकालना है, एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो एम 7000 इंटू टू तो 14000 किलोग्राम न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन या फिर न्यूटन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। एक स्टोन है 1 किलोग्राम का जिसको हमने थ्रो करा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और उसके बाद वो रेस्ट पर आ गया। एम है ये 1 किलोग्राम, वी है सॉरी यू है 20 मीटर पर सेकेंड, वी है 0 और एस है 50, तो और टाइम भी दिया है नहीं दिया। अब एम है, यू है, वी है और एस है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, तो हम यहाँ से ए निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उससे आ जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, मास दिया हुआ है माइनस 4, तो माइनस 4 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, एक 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन देन कैलकुलेट। अब इंजन तो लगा रहा है 40000 न्यूटन और ट्रैक लगा रहा है 5000 अपोजिट साइड, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 40000 माइनस 5000, तो टोटल फोर्स इंजन ने जो लगाई वो थी 35000। उसके बाद नेट एक्सीलरेशन फोर्स, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, उसके लिए क्या करेंगे, ट्रेन का ये इंजन है, इससे 3-5 वैगन्स जुड़े हुए हैं, उन वैगन्स का टोटल मास कितना है, एक वैगन का मास 2000 किलोग्राम है, तो 5 वैगन का हो गया 10000 किलोग्राम। अब हमें मास पता है, फोर्स पता है, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एम ए से 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड
ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास 15,000 kilogram. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो मास हमें पता है 1500 kilogram है. एम व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन एफ हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. रोड अगर और हमें ए दिया है ये, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो 15,000 × −17 क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए इसका इसकी वैल्यू आ जाएगी −2550 newton. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी. तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी. तो इसका डी आंसर सही होगा. यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 newton, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट. तो अपोजिट फोर्स लगेगी कैबिनेट पर, तो −20 लगा लो या 200 newton की ही फोर्स कैबिनेट पर लगेगी. टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kilogram आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 meter per second बिफोर द कोलिजन. अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास 1.5 है, दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है. द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 बिफोर द कोलिजन. अब टकराने के बाद वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर लिखा है ना, दे स्टिक टुगेदर. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन. तो मास दोनों का वो है, एज द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर दे विल हैव मोमेंटम इन द अपोजिट डायरेक्शन. नाउ P1 इज इक्वल टू 3.75 और P2 भी 3.75. अब इन्होंने बोला है इनिशियल मोमेंटम दोनों का हो गया P1 plus P2, तो दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो एक का तो प्लस होगा एक का माइनस होगा, तो उनका टोटल मोमेंटम हो गया जीरो. अब बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. अब ये दोनों टकराने के बाद एक जगह आके स्टिक होके बैठ गए थे, तो इनका मास तो हो गया 1.5 एक का था, 1.5 दूसरे का, तो टोटल मास हो गया 3, लेकिन ये इनकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है, इसलिए मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो आ गया आंसर ज़ीरो. अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रक है जो कि एक रोड पे साइड में खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, नहीं मूव करेगा. अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज कैंसिल ईच अदर. कमेंट, तो नहीं, द लॉजिक ऑफ द बॉय इज कम्प्लीटली रॉन्ग. क्यों है रॉन्ग? बिकॉज द ट्रक इज गोइंग टू मूव ओनली ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स, लेकिन यहाँ पे जब बैलेंस फोर्स लगेगी तो वो मूव नहीं होगा. व्हेन द बॉय पुशेज द अर्थ विद हिज फीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हाउएवर दिस फोर्स प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ द अर्थ इज इनसफिशियंट टू ओवरकम. और इसीलिए उसके वो इतनी फोर्स नहीं लगा पाता कि वो आगे की तरफ मूव कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 meter per second इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ एट 5 meter per second. कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. तो हॉकी बॉल का मास है 200 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी वेलोसिटी है 10 meter per second. अब ये हॉकी स्टिक से टकराती है तो वो उतनी ही फोर्स से उसको वापस भेजती है ओरिजिनल पाथ पे, तो मास तो उसका वही रहेगा, वेलोसिटी अब उसकी 5 हो गई, लेकिन अपोजिट साइड होगी. देखो मास 200 ग्राम को हमने 0.2 किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और फाइनल वेलोसिटी −5 है. तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू. तो m की वैल्यू 0.2, v की वैल्यू 10 और सॉरी b की वैल्यू
माइनस फाइव और यू की माइनस टेन, ये मैंने इसको वी लिख लिया है, तो ये आ जाएगा माइनस फिफ्टीन और थ्री आ जाएगा इसका, माइनस थ्री न्यूटन है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये इसमें अपोजिट साइड में फोर्स लग रही है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट है जिसका मास 10 है और वो 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। अब एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक पर टकराती है एंड कम्स टू रेस्ट इन इतने सेकेंड्स में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन टू द ब्लॉक। तो हमें मास दिया हुआ है, मास को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर से वी दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, तो फोर्स लगानी है, एक मिनट, उसके बाद फोर्स निकालनी है हमें, तो एफ इज, और उससे पहले हम इसमें मास हमें 10 ग्राम दिया है जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। यू जो है हमारी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, अब वो जाके बुलेट टकरा के रुक गई, अब इसकी वेलोसिटी फाइनल ज़ीरो हो गई, तो और टाइम है, तो हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे वी माइनस यू अपॉन टी, अब ए निकल जाएगा, उसके बाद एफ निकालेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास ये रहा, ए ये आ गया, उसके बाद डिस्टेंस निकालनी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, तो वी भी है हमें, यू भी पता है, ए भी पता है, डिस्टेंस हमारी 2.25 मीटर निकल कर आ गई। अब है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कॉलोइंग विद द स्टिक टू एंड अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ फाइव मास 5 किलोग्राम, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। तो मास हमें पता है m1 ये रहा, v1 ये रहा, m2 ये रहा, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम। पहले v2 निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको, फॉर एन ऑब्जेक्ट m1 पता है, u1 आ गया, m2 पता है, u2, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अपनी ज़ीरो पोजिशन पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम तो इनका आ गया m1 u1 इज इक्वल्स टू प्लस m2 u2। तो u1 हमें पता है 10 है, दूसरे का 0 है, तो यहाँ पे आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सिंस मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर इक्वल होता है, इसलिए दूसरा भी मोमेंटम इतना ही होगा। p2 इज इक्वल्स टू p2 की वैल्यू, मतलब सेकेंड टाइम ऑफ मोमेंटम m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों इकट्ठे खड़े थे, और v की वैल्यू 10 है, तो इससे हमें वी इज इक्वल टू 10/1 प्लस 5 इज इक्वल टू 10/6। 1 प्लस 5 क्यों हुआ, दोनों का मास अब दोनों इकट्ठे हैं, ऐसे पहले ये दोनों अलग अलग थे, इसका 1 था इसका 5 था, अब ये दोनों आके ऐसे आके चिपक कर खड़े हो गए, तो इसका मास अब 6 हो गया, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह